हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड को खत्म कर लिया था, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की ओर। तो हम एक एक करके देखते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं बच्चों। काफी इजी टॉपिक है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, तो फर्स्ट वन हम इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन को समझते हैं बच्चों। तो ऑक्सीडेशन आपका होता क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अभी मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ बच्चों, ध्यान से समझेंगे। काफी इजी कॉन्सेप्ट है और एक ही बार में आपके माइंड में क्लिक भी कर जाएगा ये, ठीक है। काफी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर मैं बोलू यहां पर फॉर 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल मतलब ROH। यहां पर मैं ROH ना लिख के एक एल्कोहलिक कंपाउंड लिखता हूँ CH3CH2OH। इसको मैं अगर ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका CH3CHO बनेगा। देन फर्दर में इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये आपका किसमें बनेगा बच्चों? केमेन ऑफ, यहां पर आपका बन जाएगा ये CH3COOH, मतलब किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? ये आपका एसिड में, ठीक है। ये आपका क्या था? एल्कोहल, ठीक है। ये आपका क्या था? एल्कोहल। तो ध्यान से समझेंगे जो आपके 1 डिग्री एल्कोहल में ये वाला जो फिनोमिना होता है, ये वाला फिनोमिना आपका क्या होता है? स्लो प्रोसेस, ठीक है। ये वाला क्या होता है बच्चों? आपका फास्ट प्रोसेस। तो हम इससे क्या एनालिसिस करेंगे? जैसे ही आपका एल्डिहाइड बनेगा, क्या इंटरमीडिएट आपका क्या बना? एल्डिहाइड। जैसे ही आपका एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड बनते ही तुरंत आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तुरंत आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तुरंत आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो, ठीक है। अब देखो, सो वी कैन नॉट ऑब्टेन एल्डिहाइड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। कौन सा बच्चों? प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराने पर हम इसमें एल्डिहाइड को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यहां से हमारे दो कॉन्सेप्ट जनरेट हुए, फॉर ऑब्टेन एल्डिहाइड एल्डिहाइड वी हैव टू यूज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं जनरली अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा एल्कोहल का, तो वो तुरंत आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक में, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मुझे एल्डिहाइड को ऑप्टेन करना होगा तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने प्राइमरी में एल्कोहल में अगर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो डायरेक्ट आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो वो आपका डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर मैंने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला बच्चों, तो वो आपका क्या देगा बच्चों? एल्डिहाइड। तो आपका वो आपका क्या देगा बच्चों? एल्डिहाइड, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर सेकेंड डिग्री एल्कोहल के लिए। तो एक एक करके हम सभी एल्कोहल के लिए समझेंगे। तो देखो यहां पर फोर सेकेंड डिग्री एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एल्कोहल में क्या होगा बच्चों? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखते हैं। यहां पर CH3CH3OH, जैसे ही मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका क्या बन गया बच्चों? कीटोन। ये आपका क्या बन गया बच्चों? कीटोन। और ये क्या है बच्चों? आपका सेकेंड डिग्री अल्कोहल। ध्यान से समझेंगे,
ये आपका क्या हो गया बच्चों, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान से समझेंगे कि सेकेंड डिग्री अल्कोहल को जब मैं ऑक्सीडेशन कराता हूं तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, आपके कीटोन में। ठीक है, आप देखो कीटोन में, कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन आपका पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इजी ऑक्सीडेशन मतलब वी कैन नॉट ऑक्सीडाइज, यहां पर लिख सकते हैं हम, यहां पर वी कैन नॉट ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज कीटोन फर्दर इजिली। मैं फर्दर कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, काफी टफ प्रोसेस होगा। तो यहां पर हम काफी स्ट्रॉन्ग मतलब हाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहां पर वर्गस कंडीशन अगर लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और है ना वर्गस कंडीशन मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल की। तो 3 डिग्री अल्कोहल तो देखते हैं यहां पर, फोर 3 डिग्री अल्कोहल देखते हैं यहां पर बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए वी कैन नॉट यहां पर अगर मैं बोलूं, यहां पर ये इस तरीके से वी कैन, यहां पर क्या होगा ऑक्सीडेशन इसका नहीं होगा। वी कैन नॉट ऑक्सीडाइज्ड 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल को मैं ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अब देखो यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल को मैं ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अब बात को ध्यान से समझना, यहां पर ऑक्सीडेशन एक्चुअली में है क्या। ऑक्सीडेशन इज अ 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम ऑक्सीडेशन को बोल सकते हैं। देखो किस तरीके से, ध्यान से समझेंगे। यहां पर अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, देखो यहां पर ध्यान से 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूंगा तो यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर H, यहां पर OH, दिस इज कॉल्ड व्हाट, 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल है बच्चों ये, अगर ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो जैसा कि आप लोग जानते हो ये वाला बॉन्ड आपका यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका निकलेगा, ठीक है, इसके ऊपर माइनस आएगा। अब ये वाला यहां जाएगा और यहां से जस्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका रिलीज होगा। वैसे हाइड्राइड आपका रिलीज नहीं होता है, लेकिन ओ माइनस यहां पर क्या लगाता है, ओ माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहां पर देखो ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया 2 पॉइंट। 1 से आपका हाइड्रोजन इलिमिनेट हुआ, सेकंड से भी आपका क्या एलिमिनेट हुआ, हाइड्रोजन इलिमिनेट हुआ। इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ बच्चों, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3COH, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा। ध्यान से समझेंगे, देखो यहां पर हाइड्रोजन, देखो OH के जस्ट, ध्यान से सुनना, OH के जस्ट जो बगल वाला कार्बन होगा वहां पर आपका क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूंगा, इन 2 डिग्री अल्कोहल, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूंगा तो देखते हैं बच्चों, CH3 और ये OH, ठीक है। अब यहां पर भी आपका क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन आपका वो एलिमिनेट होगा, ये वाला हाइड्रोजन आपका एलिमिनेशन हुआ, यहां से ये वाला नीचे जाएगा और यहां से ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, अगेन आपका 1-2 एलिमिनेशन हुआ। तो यहां पर क्या होगा, बाय 1-2 एलिमिनेशन, ध्यान से सुन लेना बच्चों, इसको 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं।
अगर वन टू एलिमिनेशन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये आपका क्या बन गया बच्चों, कीटोन। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को मैं अगर 3 डिग्री एल्कोहल में देखना चाहूं तो 3 डिग्री एल्कोहल में यहां पर क्या होगा, एच निकलेगा, यहां माइनस है, लेकिन यहां पर जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा? यहां पर ये आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अ वन टू एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर मैंने बात किया था बच्चों कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आप देखो कौन कौन से। फर्स्ट वन आपका क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वन आपका होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और आपका सेकंड क्या होगा बच्चों, आपका ध्यान से सुनना, सेकंड आपका होगा बच्चों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपका काम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपका काम क्या होगा, देखते हैं बच्चों यहां पर ध्यान से। तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा आपका 1 डिग्री एल्कोहल को, 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल को ये आपका कीटोन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन 3rd डिग्री एल्कोहल आपका कन्वर्ट नहीं होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके कौन कौन से होंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके बच्चों कौन कौन से होंगे देखते हैं बच्चों। फर्स्ट केमेनोफोर एच प्लस हीट, या फिर सेकेंड देख लो बच्चों केमेनोफोर ओ एच माइनस हीट, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। थर्ड मैं आपको लिख देता हूं यहां पर K2Cr2O7H+ हीट। फोर्थ आपका HNO3 यहां पर हीट। ठीक है, ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। फिफ्थ में आपका लिख देता हूं बच्चों यहां पर, फिफ्थ हम बोल सकते हैं यहां पर CrO3 H+ इन H2O। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है बच्चों जॉन्स रिएजेंट। इसका नाम क्या होता है बच्चों, जॉन्स रिएजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं H2CrO4। इसका नाम क्या होगा, क्रोमिक एसिड। कहीं कहीं आपको क्रोमिक एसिड के फॉर्म में भी मिल जाएगा। अगर आपको ये आपको मिल जाएंगे तो ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और 2 डिग्री एल्कोहल को आपको हमेशा कीटोन में कन्वर्ट करेंगे। सिक्स्थ O2 के साथ आपका PT के साथ NaOH या फिर NaHCO3, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज 1 डिग्री एल्कोहल। केवल और केवल ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल को, 2 डिग्री एल्कोहल को ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे है बच्चों। अब देखते हैं हम यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके कौन कौन से, सबसे पहला आपका सेरेट रिएजेंट। एक एक करके आपको नाम भी याद रखना है और आपको क्या होता है वो भी ध्यान रखना है। सेरेट रिएजेंट आपका क्या होता है बच्चों, यहां पर मैंने क्या बना दी, इसका नाम क्या होगा बच्चों, आई होप सो कि आपको नाम पता होगा। इसका नाम होगा पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन में मैंने अगर CrO3 HCl और CH2Cl2, देखो बच्चों सारे के सारे आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख रहा हूं, बस उसमें केवल और केवल सॉल्वेंट का फर्क होगा। किसका फर्क होगा, सॉल्वेंट का। यहां पर CH2Cl2 एज अ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सेकंड में लिखता हूं बच्चों PCC का
पूरा नाम बच्चों पिरिडिनियम पायरिडिनियम पायरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट, पायरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट, ठीक है। पीसीसी आपका क्या होगा, पायरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट, मतलब आपका ये हो जाएगा पीसीसी। यहां पर मैंने पिरिडीन बना दिया, ठीक है, एचसीएल को क्लोरीन एक्स यहां से मिल जाएगा, और आपका क्रोमेट CrO3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पायरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट, यहां से बनेगा। थर्ड मैंने बात किया यहां पर पीडीसी, इसका नाम होगा पायरिडिनियम पायरिडिनियम डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका कैसे होगा बच्चों, यहां पर मैंने पिरिडीन बनाया, यहां पर मैंने पिरिडीन बनाया, इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ करा दी, तो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये ध्यान से, ये NH इसके ऊपर प्लस, अब देखो इसके ऊपर सिंगल प्लस है, और क्रोमेट आपका क्या होता है बच्चों, डाइक्रोमेट Cr2O7, इसके ऊपर 2- तो ये आपका क्या होता है बच्चों, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, बस इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फेंटन रिएजेंट, फेंटन रिएजेंट आपका क्या होता है बच्चों, FeSO4 H2O2, ये भी आपका फेंटन रिएजेंट, भी आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिफ्थ में आपको लिखाता हूँ यहाँ पर कोलेंस रिएजेंट, अब आपका कोलेंस रिएजेंट क्या होगा, 2 मोल आपको पिरिडीन लेना पड़ेगा, 2 मोल आपको क्या लेना पड़ेगा, पिरिडीन, साथ में आपको CrO3 और साथ में आपको CH2Cl2। देखो तीन नाम तो आपको ऐसे ही हो जाएंगे याद, सेरेट रिएजेंट में CrO3 HCl और CH2Cl, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें CH2Cl2 नहीं है पीसीसी में, ठीक है, और कोलेन में आपका HCl नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर मैंने कुछ लिखा है, और भी हो सकते हैं बच्चों, कौन कौन से, सिक्स X2+NaOH, X2+NaOH मतलब यहाँ पर Cl2 का अगर मैं NaOH के साथ डाल दूँ वो भी आपका रिएजेंट होगा, और यहाँ पर अगर मैंने Br2 और NaOH डाल दूँ वो भी आपका रिएजेंट होगा, ठीक है। आई होप सो कि इतने सारे रिएजेंट आपको ध्यान आपको रखने पड़ेंगे। इसमें एक और मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, इसके लिए सेवंथ, ध्यान से सुनना बच्चों, सेवंथ वाला TSCl, टॉसिलेट क्लोराइड, अगर मैं इसको DMSO में डाल दूँ, ठीक है, DMSO में डाल दिया, DMSO सॉल्वेंट में, और साथ में क्या ले लिया बच्चों, NaOH एंड NaHCO3, ये दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक मैंने ले लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया था, 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना, और 3 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट नहीं करता है। अब देखो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या होगा बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को आपको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये बच्चों फिर से कीटोन में, लेकिन ये आपको 3 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट नहीं करेगा। दीज आर सम इंपोर्टेंट रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं कि इसमें किस तरीके से हमको ऑक्सीडेशन, बस यहां पर ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में केवल और केवल आपके यहां पर वो रिएजेंट का खेल है, केवल और केवल आपको क्या ध्यान रखना है, रिएजेंट को ध्यान रखना है। अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैंने यहां पर ले लिया CH3 CHOH CH2 CH2 CH2OH, ठीक है, और मैंने यहां ले लिया O2 PtNaHCO3, ये मैंने ले लिया, एक एक मैंने यहां पर ले लिया आपका क्या, केमेनो फोर एच प्लस, और हीट यहां मैंने ले लिया HNO3 एच प्लस हीट, और यहां मैंने ले लिया आपका क्या, PCC। बस यहीं से बात को आप समझ जाओगे। देखो यहां पर मैंने इसके लिए क्या लिखा था, केवल और केवल ये 1 डिग्री एल्कोहल करेगा, लेकिन ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानो, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ये भी आपका क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी आपका क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है बच्चों, आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैंने पहचान लिया, और मैंने इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको लिखाई थी कि केवल और केवल यह आपके 1 डिग्री एल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा। अब यहां पर यह अगर आपके 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, CH OH CH2 CH2, यहां पर C डबल OH। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये आपके इस पॉइंट को आपको किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर मैं इसके प्रेजेंस में कराऊंगा तो ये आपके 1 डिग्री को भी कराएगा और 2 डिग्री को भी कराएगा। तो किस तरीके से होगा बच्चों, देखो CH3 CH, यहां पर क्या जाएगा, यहां पर देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहां पर आपका एच है, यहां पर आपका ओ एच है, ये वाला बॉन्ड खुलेगा तो ये वाला बॉन्ड भी खुलेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, आपका कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन। यहां पर मैंने क्या बनाया था, अल्फा 1-2 एलिमिनेशन कराना है आपको, क्या कराना है, केवल और केवल 1-2 एलिमिनेशन, और दोनों तरफ से आपका क्या लॉस होगा बच्चों, हाइड्रोजन का लॉस होगा। यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन कराना है आपको, हाइड्रोजन का लॉस करना है बाय 1-2 एलिमिनेशन। तो यहां पर CH2 CH2, ठीक है, CH2 नहीं, यहां पर CH2, और ये आपका एक दो, हाँ ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर अगर आपका HNO3 होगा तो आप किस तरीके से करोगे बच्चों, CH2 CH2 COH। लेकिन आपका PCC क्या है बच्चों, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, इट कैन कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल इनटू इनटू एल्डिहाइड ग्रुप। ये आपके 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, और 2 डिग्री को तो ये भी आपका किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कीटोन को आपको इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और यहां पर आपका क्या बना देगा बच्चों, एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन आपको होना चाहिए। इस तरीके से आपको यहां पर प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन बच्चों आपको अच्छे से होना चाहिए। तो यहां पर इस एग्जांपल से हमको समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या करेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में ध्यान रखना बच्चों, और कभी कभी आपके रिएजेंट ना देके रिएजेंट का नाम भी दिया होता है। तो यहां पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बच्चों आपको मैंने फेंटोन लिखवाया, ठीक है, सारे रिएजेंट को आपको ध्यान अच्छे से रखने। नाउ अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, तो देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर मैं अभी यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल ले रहा हूं, जैसा कि आप लोग जानते हो यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना काफी इजी है। तो यहां पर अगर मैंने केमेनो फोर में नहीं, लेकिन यहां पर HNO3 लेता हूं, HNO3 हीट, ठीक है, HNO3 हीट अगर मैं लूंगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब मुझे इसका, ये हमारा क्या बन गया बच्चों, कीटोन। अब मुझे इस कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना, तो किस तरीके से कराऊंगा ध्यान से समझना। यहां पर हमें वर्गस कंडीशन लूंगा मैं, वर्गस कंडीशन मतलब मैं अगर ऑक्सीडेशन कराऊंगा KMnO4 के प्रेजेंस में, मैंने बोल दिया H+ के प्रेजेंस में हीट देके, ठीक है, इस प्रेजेंस में मैंने अगर इसका ऑक्सीडेशन कराया तो किस तरीके से करेंगे। देखो यहां पर हाइड्रोजन है, अब देखो ये आपका कौन सा फॉर्म है बच्चों, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट है, ये आपका अभी कौन से फॉर्म में, कीटो फॉर्म में। मैं इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा बच्चों, इनोल फॉर्म में। मैं इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा बच्चों, इनोल फॉर्म में। तो देखो इनोल फॉर्म में क्या होगा, प्रोटोन आपका ट्रांसफर होगा, तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो ये आपका इस तरीके से होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना बताया था, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन, मैंने शॉर्ट में आपको बताया था, इन प्रेजेंस ऑफ
इन प्रेजेंस ऑफ केमेन ऑफ फोर एच प्लस और हीट। इसके प्रेजेंस में मैंने आपको बताया था किस तरीके से करते हैं हम इसका ऑक्सीडेशन बच्चों, तो किस तरीके से हमने किया था हाइड्रोकार्बन में। देखो यहां पर मैंने CH3 लिया, यहां पर मैंने C लिया, डबल बॉन्ड लिया, CH3 लिया। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता था तो ये आपका किस में कन्वर्ट होता था बच्चों, कीटोन में। ये आपका किस में कन्वर्ट होता था, कीटोन में। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये आपका पहला मैंने बताया था। दूसरा आपका क्या था बच्चों, अगर यहां पर कोई भी हाइड्रोजन अगर प्रेजेंस होता, तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता तो यहां पर CH3 COOH में, मैंने आपको शॉर्टकट लिखाया था बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड अगर मैं बात करूंगा तो थर्ड में क्या होता है बच्चों, यहां पर जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने OH हम लगा देंगे, जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने OH हम लगा देंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने OH हम लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, नाउ अब हम इसमें समझते हैं कि यहां पर क्या था CH, यहां पर हमारा CH2 डबल बॉन्ड। देखो यहां पर डबल बॉन्ड तो तोड़ूंगा तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, CO2 बनेगा पर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैंने यहां पर फोर्थ की बात करूंगा तो फोर्थ में क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहां पर आपका कीटोन नहीं बनेगा, यहां पर आपका CH3 COOH वापस बन जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ आपका क्या लिखा हुआ था बच्चों, मैंने आप लोगों को हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन को रिवाइज करते हुए चलो बच्चों, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट इजिली समझ में आता रहे। ठीक है, तो यहां पर मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहां पर मेरा CO2 बनेगा। अब हम इसी के बेसिस पे अब हम इसको समझते हैं। देखो ये वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, देखो यहां पर ऑक्सीजन से, यहां पर कार्बन से, क्या यहां पर आपका हाइड्रोजन है, यहां पर आपका हाइड्रोजन नहीं है, देखो दोनों वैलेंसी। ठीक है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये वाला आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये वाला आपका कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर OH आ जाएगा, अपने आप कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे आपका क्या है बच्चों, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, अपने आप कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको कीटोन का करना है। थोड़ा सा आपको यहां से ये वाले पॉइंट को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में लिखवाया हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट एक और पॉइंट हम देखते हैं, ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडेशन विद CU 300 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका AG 300 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों इसके बारे में, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में। ठीक है, इसका मतलब ये आपका क्या है बच्चों, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन मैंने इसको वहां क्यों नहीं लिखाया, इसको मैंने वहां क्यों नहीं लिखाया, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से। और 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, ये आपका कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 3 डिग्री अल्कोहल की, तो 3 डिग्री अल्कोहल में इसका प्रोडक्ट होगा आपका क्या बच्चों, एल्कीन। मतलब ये क्या करेगा बच्चों, डिहाइड्रेशन को प्रोसीड करेगा, किसको प्रोसीड करेगा, डिहाइड्रेशन फिनोमिना को। ठीक है, डिहाइड्रेशन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपका प्रोसेस होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाना है। देखो अगर मैंने यहाँ पर मैं इसी की बात करता हूँ बच्चों, 3 डिग्री की, देखो CH3 COH CH3 CH3। अगर मैंने यहाँ पर CU@300 डिग्री सेल्सियस लिया तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से आपका एच पॉइंट से निकलेगा। देखो ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा, तो आप लोग जानते हो कि बीटा एलिमिनेशन होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पर आपका क्या होने वाला है बच्चों, बीटा एलिमिनेशन होने वाला है। तो ध्यान रखना, कॉपर के केस में और एजी के केस में आपका इसी तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, और आपका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एल्कीन प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करेगा। कौन से प्रोडक्ट को बच्चों, एल्कीन को फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर CH3 CH2 OH, दिस इज अबाउट 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल को ये आपको सिंपल किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। और अगर मैंने बात किया CU और 300 डिग्री सेल्सियस,
और यहां पर मैंने बात कर लिया 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, तो 2 डिग्री अल्कोहल को ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल को ये डायरेक्टली आपका कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जब भी आपका ऑक्सीडेशन फिनोमिना होगा वो आपका क्या होता है, हमेशा एलिमिनेशन फिनोमिना। क्या होता है बच्चों, वो हमेशा आपका एलिमिनेशन फिनोमिना, वन वन टू एलिमिनेशन होगा। वहां पर क्या होगा बच्चों, वन टू एलिमिनेशन, लेकिन यहां पर क्या हुआ देखो, वन वन टू एलिमिनेशन, लेकिन वहां पर जो आपका वन टू एलिमिनेशन था वो आपका किस तरीके से हुआ था, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकला था, और यहां और वहां पर आपके अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वहां से हाइड्रोजन निकला था, वो आपका प्रोसेस डिहाइड्रोजिनेशन था, मतलब हाइड्रोजन का एलिमिनेशन था। ठीक है, लेकिन यहां पर ये आपका प्रोसेस क्या है, H2O एलिमिनेट हो रहा है। यहां पर आपका क्या होगा, H2O एलिमिनेट करेगा, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूंगा तो एल्कोइन में कन्वर्ट करेगा, मतलब ये किसको एलिमिनेट करेगा, H2O। ठीक है, H2O एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन ऑफ H2O, H2O का आपका एलिमिनेशन हो जाएगा यहां पर। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा सारे ऑक्सीडेशन के फिनोमिनाज। ठीक है, नाउ अब हम आगे चलते बच्चों, कौन कौन से प्रोसेस को अब हम समझते। देखो यहां पर अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को समझते बच्चों, काफी आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। यहां पर CH3OHH CH2 यहां पर लिख देता हूं OH। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं लिख दिया O2PT और यहां पर NaNaHCO3। ठीक है, एक मैंने लिख दिया यहां पर KMnO4 H+ और हीट, और एक मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों क्या, यहां पर एक मैंने यहां पर लिखा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां पर एक मैंने लिख दिया यहां पर क्या, यहां पर लिख दिया PCC। ठीक है, अगर मैंने इसके साथ रिएक्शन कराया तो नाउ इसको क्या करूंगा बच्चों, मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इसको मैं क्या करूंगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी और ये हमारा ई। ठीक है, अब एफ यहां पर NaBH4 और यहां पर हमारा क्या होगा बच्चों, यहां पर NaBH4 और ध्यान से अब इसी की रिएक्शन मुझे NaBH4 के साथ करानी है। ठीक है, NaBH4 के साथ ये हमारा एफ और इसकी रिएक्शन मुझे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करानी है जी। ठीक है, इस तरीके से आपको ABCDEFG आपको सारे प्रोडक्ट आपको बताने हैं। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे बच्चों, समझते हैं हम। ठीक है, एक ही क्वेश्चन समझेंगे बड़े प्यार से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन समझते हैं अच्छे से। तो देखो यहाँ पर अब मैं इस पाथ में जाऊंगा, ये पहले मैं इस पाथ को बोल देता हूँ पाथ 1, इस पाथ को बोल देता हूँ पाथ 2, इस पाथ को बोल देता हूँ पाथ 3। ठीक है, पाथ 3। ठीक है, यहां पर मैं इसको हिट में यहां पर NaOH CaO लिख देता हूँ। ठीक है, यह हो गया हमारा पाथ 3। अब हम चलते हैं बच्चों सबसे पहले पाथ 1 पे। ठीक है, पाथ 1 पे क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ये इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपका, केवल और केवल ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीडाइजेशन में कराऊंगा, यहाँ पर OH 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, तो यहाँ पर 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करा दिया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नाउ मैंने क्या किया, यहाँ पर NaOH CaO लिया मैंने। ठीक है, अब ये क्या करेगा, NaOH CaO यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को शो करेगा, तो यहाँ पर ये आपके किसके शो किया बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसने आपके डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को शो किया, तो यहाँ पर इसने क्या प्रिपेयर कर दिया बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज द रीजेंट फॉर व्हाट, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं, यहाँ पर पाथ 1 में एक और पाथ है कि ए से मुझे क्या कराना है, रिएक्शन NaBH4 के साथ, ए की रिएक्शन मुझे NaBH4 के साथ कराना है। जैसा कि आप लोग जानते हो यहाँ पर NaBH4 आपका केवल और केवल एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर तो OH है, OH के साथ भी नहीं करेगा, इसके साथ भी नहीं करेगा, तो ये आपका रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, नो रिएक्शन। तो आपका एफ प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, नो रिएक्शन। थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझेंगे, इसीलिए मैंने आपको इसका दिया था आपको। ठीक है बच्चों,
अगला, अब हम देखते हैं यहाँ पर 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में क्या होगा बच्चों? 5 सेकंड में ये क्या बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये आपका सबसे पहले 5 सेकंड को समझते हैं। 5 सेकंड किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? आपका सबसे पहले CH3CH, ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी प्रोडक्ट लिख रहा हूँ बच्चों में, ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल है बच्चों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? CH2CH COOH। नाउ मैंने इसको क्या किया बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने हीट किया। अब आप लोग जानते हो हीट के साथ कौन सी रिएक्शन को शो करेगा बच्चों? ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को शो करेगा हीट के साथ बच्चों। ये आपका जैसे ही आपके डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को शो करेगा, इसका मतलब आपके CO2 को रिमूव करेगा। अब यहाँ पर अगर आपके CO2 को रिमूव किया तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? CH3। नाउ इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ कराना है बच्चों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब मैंने आपको बताया था कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आपको हाइड्रोलाइसिस भी नहीं दे तो आपको मान के चलना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्राइड आएगा H- एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये ऊपर जाएगा और यहाँ पर लिथियम अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3O- Li+ CH3CH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो कैसे होगा बच्चों? CH3COH CH3, यहाँ पर H। आई होप सो कि आपको BCD प्रोडक्ट आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाथ थर्ड की। तो पाथ थर्ड में आपका क्या है बच्चों? केवल और केवल PCC फॉर पाथ थर्ड। अब पाथ थर्ड में सबसे पहले हम किसको पहचानेंगे बच्चों? रिएजेंट को। रिएजेंट आपका कैसा है बच्चों? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में केवल और केवल एक ही आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में केवल और केवल एक ही सिमिलैरिटी, एक ही कीटोन का आपका 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी डिसिमिलैरिटी क्या है बच्चों? 1 डिग्री एल्कोहल को आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। वहां एल्डिहाइड आपको ऑब्टेन नहीं हो सकता, क्योंकि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना फास्ट फिनोमिना होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो 1 डिग्री एल्कोहल को आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो देखते बच्चों यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या आपका पीसीसी क्या करेगा बच्चों? 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर भी आपका क्या होगा? 1-2 एलिमिनेशन है ना, और यहाँ पर आपका कौन सा प्रोसेस होगा बच्चों? डिहाइड्रोजिनेशन। कौन सा प्रोसेस होगा? डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ऑक्सीडेशन फिनोमिना इज डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, मतलब H2 का रिमूवल होगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा कीटोन आ गया, यहाँ पर मेरा CH2 आ गया, और ये मेरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्डिहाइड में। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जब भी हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे तो मैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के क्वेश्चन में जरूर लूंगा, ठीक है बच्चों, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो आगे के लेक्चर में हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, पिनाकोलोन को भी हम वापिस से एक बार हम देखेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।